अब जिम्मेदारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की मुख्य तौर पर रैट माइनर्स पर है। रैट माइनिंग जो करेंगे उनमें से राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी, ये रैट माइनिंग क्यों कहा जाता है, इसको चूहा बोरिंग क्यों कहा जाता है, क्या करते हैं आप लोग इसमें? इसमें मतलब एक मिट्टी एक चूहे के बन के मतलब निकाले जाने पड़ती है। अच्छा। क्योंकि जो मिट्टी निकालते हैं वो तसले से मतलब कस्सी से ही उसको बाहर निकाला दिया जाता है, जिसमें तसले में भरा जाता है। इसके बाद तसले को उठा के एक बेरिंग का ठेली होता है, गड्डी बोलते हैं जिसको, उस पर तसला रखने के बाद रस्सी से दोबारा खींचा जाएगा उसको मिट्टी को। अच्छा, जैसे अभी जो हमें समझ आ रहा है कि भाई आप लोग पाइप से जाएंगे, जो पाइप लगे हुए अंदर 45 मीटर तक के, जो पाइप लगे हुए पाइप से जाएंगे आप लोग अपने औजार वजार लेकर जाएंगे, तो कैसे मतलब पहले एक सर्कल करेंगे, कैसे आप लोग का काम कैसे होगा अंदर, फिर क्या करेंगे? इसके बाद हमारा ये काम होगा कि जो भी मतलब पाइप के अंदर बैठने के जो मतलब कोई क्षति ना आए किसी बंदे को, तो उसके मतलब जो भी 150-200 अगर खुदाई होती है जो आगे, उसके बाद उसमें पुश किया जाएगा। जैसे जो पीछे जो मशीन रखा है, मशीन के द्वारा उसको पाइप को धक्का दिया जाएगा, उससे पुश होगा, उसी के मतलब जितना भी मतलब खुदता है, जितना आगे जगह बनता उतना ही पुश होता जाएगा, हल्का पुश होता जाएगा। जी। लेकिन आप लोग कैसे काम करेंगे, हथौड़ी छेने से करेंगे, कटर से करेंगे, आप लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग गैती फावड़ा से ही काम करेंगे। अच्छा, उसे से ही करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर बड़ा आता है उसके मुंह पे, तो हमारे पास ये हिल्टी रखा हुआ है, हिल्टी से तोड़ दिया जाएगा। ये इससे कैसे तोड़ा जाता है? ये इसको बिजली के द्वारा ये चलती है, उससे इसे तोड़ा जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अंदर तो मतलब छोटा ही है ना वो, तो 800 mm का ही डायमीटर का है। आप लोगों ने ऐसे पहले काम किए हैं ऐसी कंडीशंस में? हाँ, किए काम किया है। हाँ जी। नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन की कमी होगी या कुछ हो जाएगा? नहीं जी, नहीं। ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है, वैसे कुछ बताया गया आप लोग? हाँ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जाएगा साथ, मतलब जाएगा उसके लिए भी ऑक्सीजन का सब मतलब सब सपोर्ट दिया जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब जो काम करेगा बंदे को किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, देखिए ऑर्गन मशीन से तो इंसान की तुलना नहीं की जा सकती है, वो तो जल्दी जल्दी थोड़ा काम करता है। आप लोग जो काम करेंगे, अगर मैं कहूँ सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है, कोई लोहे का गार्डर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो एक घंटे में कितना, एक मीटर? एक घंटे में एक मीटर मतलब नहीं निकल पाएगा, वही 600-700 के बीच, 600-700, यानी कि अगर 10 मीटर करना है तो तकरीबन 20-22 घंटे मान के चलो। हाँ। मान कर चले। तो आप लोग कितने लोगों की टीम आई है? 6 लोगों की टीम। हाँ जी। तो आप लोग सब जाएंगे? हाँ जी। तो ये टीम है, देखिए तैयार नजर आ रही है, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं इनके पास इनके औजार, इनकी मशीनें, ये जो देखिए, ये इन्होंने बताया है कि अगर कुछ आएगा तो इस तरीके से इसी बिजली से चलता है, इससे काटा जाएगा, और मेन काम जो है वो पूरी तरीके से मैन्युअली ही होगा। कह रहे हैं एक्सपीरियंस है, पहले भी किया हुआ है, ऐसे में किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, और इनके हिसाब से अगर किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता तो 20-22 घंटे में रैट माइनिंग के जरिए मैनुअल ड्रिल हो जाएगी। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी।